हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज बात करेंगे सीटेट के बारे में। जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट देने जाएंगे अभी जब भी होगा, या फिर जिनको अभी तक डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं वेरियस जो आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि कब से कब तक वैलिड होता है, मेरा वैलिड है कि नहीं है, किस डेट से कब तक वैलिड होता है, एज लिमिट क्या है, कितनी बार दे सकते हैं, और क्वालिफिकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेनली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर, तो उन क्वेश्चंस को मार्क किया है सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, और उनके उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले उससे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो आपकी सीटेट की वेबसाइट है seatet.nic.in, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर के आप ये पढ़ सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ टीचर बनने के लिए, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और सीटेट की वेबसाइट कहती है बेसिकली कि आपके जो सीनियर सेकेंडरी है 12th क्लास में, उसमें 50% मार्क्स हो और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ हो जो कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, और 46% 45% भी सीनियर सेकेंडरी में चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12th में 50% और उसके साथ आपका BLED जो एक डिप्लोमा या डिग्री होती है बेसिकली, 4 साल का कोर्स होता है, तो ये होगा तब भी चलेगा, तो आप सीटेट दे सकते हैं। पेपर वन की बात चल रही है अभी तक, तो ये एक चीज़ होगी। या पेपर टू पर आते हैं जिसमें 6 to 8 की बात होती है, तो इसमें आपका क्या है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन की है और आप 2 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड कर रहे हैं, 2 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं, अपियरिंग में भी आप इसको दे सकते हैं, मतलब अगर आपने डाइट की उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, देन यू कैन अपियर फॉर 6 to 8, मतलब पेपर टू के लिए, सीटेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इन दैट केस। और बीएड के साथ और ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपने की है या अपियरिंग में हैं आप, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 वाले पार्ट के लिए। और अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोनों को बराबर, मतलब आपके पास डिप्लोमा भी है, आपके पास ग्रेजुएशन भी है, तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एक चीज़ हो गई। और 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता ही है, 60% पर क्वालिफाई होता है एग्ज़ाम। अब जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप इस लिंक पर जाकर के अपनी क्वालिफिकेशन फिर से पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे कि क्या मेरे सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं नौकरी पाने के लिए योग्य हूँ, तो बिल्कुल नहीं, कोई नौकरी की गारंटी होती नहीं है सीटेट, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीटेट के लिए कितनी बार प्रयास किया जा सकता है, कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितनी भी बार आप प्रयास कर सकते हैं, कितनी बार आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, सीटेट को दे सकते हैं, जब तक आपका क्लियर ना हो तब तक आप दे सकते हैं, और एज का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी एज तक आप दे सकते हैं। सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है, मतलब वैलिड कब तक रहता है देने के बाद से, तो 7 साल तक वैलिड है। अब इसमें होता है कि 7 साल, मतलब जब आपने दिया एक जो एग्ज़ाम है सीटेट दिया, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट की डेट से अगले 7 साल तक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ में कि मेरा एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो जब आपका रिजल्ट आया था जिस भी डेट को, उसके 7 साल तक, नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वैलिड होगा आपका। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैं सीटेट परीक्षा एक बार उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा दे सकता हूँ, तो बिल्कुल, अगर आपने एक बार पास कर लिया है आप दोबारा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार दीजिए, 4 बार दीजिए, उससे कोई रोक नहीं है, है ना। आगे चलेंगे, क्या मैं पेपर वन और पेपर टू के लिए अलग अलग सत्र में बैठ सकता हूँ, तो बिल्कुल, आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पेपर देने जा सकते हैं, मतलब पेपर वन और पेपर टू एक दिन में होता है लेकिन अलग अलग टाइम पर होता है, तो आप दोनों पेपर की, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप आराम से दोनों पेपर भी दे सकते हैं सीटेट के। अब ये जो बात है ये वही है जो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर फरवरी में मेरा पेपर हुआ और सितंबर में जाकर के कहीं रिजल्ट आया या दूसरा पेपर हुआ, तो कब तक वैलिड होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जिस भी दिन रिजल्ट आया सीटेट का, उस दिन से और अगले 7 साल तक आपका वैलिड होता है जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है। आगे चलेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं उनको हम बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन इनसे भी डाउट बन जाता है और आप लोग भी परेशान होते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आई थॉट कि एक वीडियो के थ्रू क्लियर कर देते हैं इनको। ये जो है कि मैंने आवेदन करते समय नाम पे तक जो भी, अगर कोई आपकी गलती हो जाती है आपके, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो ये आपको सीटेट टाइम देता है अपनी जो वेबसाइट है उस पर प्रॉपर, और वहाँ उस टाइम में आप उस टाइम पीरियड में आराम से उसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे KVS भी देता है, तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि भाई जो OMR है उसको आप दोबारा निरीक्षण के लिए भेज सकते हो, एवेल्युएट करा सकते हो उसको दोबारा, तो ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल दोबारा नहीं करा सकते, वो एक बार ही में ढंग से चेक हो चुकी होती है,
दोबारा आप उसको रीचेक नहीं करा सकते। आप जो आपका जो वो है चैलेंज तो कर सकते हैं आप की को, लेकिन आप रीचेक नहीं करा सकते उसको, क्योंकि वो OMR की आपकी जो कॉपी है वो आपको वेबसाइट पर दिख ही जाती है जो भी आपने किया होता है उसमें। अब बात आ रही है कि भाई डुप्लीकेट अगर आपका किसी का सर्टिफिकेट खो गया है तो डुप्लीकेट को कैसे प्राप्त करना है, तो ये जो लिंक है गिवन इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको आप वहाँ से पूरा जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे और आपका जो डुप्लीकेट जो आपका फॉर्म है या डुप्लीकेट जो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ से पा सकते हैं। और ये जो लिंक हैं सारे जितने भी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। आगे चलेंगे, और आपके द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र व अंक तालिका कब भेजी जाती है, तो जब भी आपका जैसे रिजल्ट आ गया CTET का, तो उसके कितने टाइम बाद आप सर्टिफिकेट भेजते हैं, CTET CBSE कितने टाइम बाद भेजता है सर्टिफिकेट, तो जो जब भी रिजल्ट आ जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर सबको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पहुंच जाते हैं जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं। पात्रता प्रमाण पत्र किन अभ्यर्थियों को मिलता है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलता किन लोगों को है, देखिए कोई आपका पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है। आपने क्वालिफाई किया होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब 60% मार्क्स पे आपका क्वालिफाई होता है, उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या कोई स्पेशल व्यक्ति हैं मतलब डिफरेंटली एबल्ड हैं तो भी आपको कुछ छूट मिल सकती है। तो 60% या फिर अगर किसी कैटेगरी में आते हैं आप तब 60 से आप कम परसेंट में भी जो आपकी पात्रता है वो मिल जाती है आपको 55% पर या 50% पर। तो आगे चलेंगे, OMR की बात हम कर चुके हैं, वीडिंग आउट नियम क्या है, तो अगर आप 2 महीने के अंदर अपनी जो OMR है उसको देख सकते हैं उसके बाद आपको वेबसाइट पर नहीं दिखेगी, तो ये वीडिंग आउट है। CBSE CTET दस्तावेज कैसे भिजवाती है, तो ये आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू आते हैं, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जो सर्टिफिकेट आता है CTET का वो आपका घर पे आता है पोस्ट के थ्रू। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मुझे मेरा परीक्षा केंद्र का शहर कैसे आवंटित किया जाएगा, मतलब जो सेंटर्स होते हैं आपके CTET के वो किस बेसिस पे मिलते हैं। तो CTET जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 प्रेफरेंस चूज करने को कहता है कि आप 3 सेंटर चूज कर लीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस। तो ये हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली भरा तो आपको दिल्ली ही दें, और अगर दिल्ली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है मान लीजिए फरीदाबाद, तो फरीदाबाद दे देंगे, और फरीदाबाद भी नहीं हुआ तो आपको अगर आपने थर्ड प्रेफरेंस आपने गाजियाबाद भरी है तो गाजियाबाद दे देंगे। बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं सेंटर के लिए वही आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CTET के कितने पेपर होते हैं, तो आपको सबको पता होगा ये तो कि CTET के 2 पेपर होते हैं, जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 टू 5 के लिए होता है, पेपर 2 आपका क्लास 6 टू 8 के लिए होता है, और जो लोग भी दोनों के लिए एलिजिबल हैं और पढ़ाना चाहते हैं वो दोनों पेपर को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर की वो 2.5 घंटे की होती है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्या CTET में दिव्यांग आवेदकों के लिए कोई विशेष प्रावधान है, तो जो डिफरेंटली एबल्ड जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए विशेष प्रावधान होते हैं, वो अपना एक राइटर रख सकते हैं अगर उन्हें लिखने में दिक्कत है तो, और जो जिन्हें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए या तो एक्स्ट्रा टाइम या फिर उनका जो एग्ज़ाम है वो भी कुछ अलग बनाया जाता है बेसिकली। तो ये एक चीज़ है, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं आप नीचे अगर लिंक के थ्रू जाएंगे तब और भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बाकी मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं जिनको बार बार क्वेश्चन आता है जिन चीज़ों के बारे में, और भी अगर कुछ भी चीज़ें होंगी जो कि ऑफिशियल होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम आगे शेयर करते रहेंगे और क्वेश्चंस को भी हम CTET के लिए डिस्कस करेंगे। तो जितने भी CTET वाले लोग हैं परेशान ना हो, अपनी तैयारी शुरू कर दें, जब भी आएगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आता है तो आप प्रिपेयर्ड रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो अगर हम CTET के रिलेटेड डिस्कस करें कुछ या DIIT+B के रिलेटेड तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज हिमांशी साइनिंग ऑफ।